नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी आर एजुकेशन में। आज 25 जुलाई तो 25 जुलाई के सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस बार लाल किले में बच्चों की जगह पहुंचेंगे कोरोना वॉरियर्स, 15 अगस्त को लेकर गाइडलाइन जारी। JNU में नया शैक्षणिक सत्र 1 सितम्बर से होगा, यदि मास्क नहीं पहना तो 1 लाख जुर्माना, 2 साल की जेल। चयनित 1806 में कृषि प्रवेशकों को जल्द मिलेगी नियुक्ति, हाईकोर्ट ने दे दी हरी झंडी। इस बार 15 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम पर परेड व कोरोना का साया। 8 लाख से अधिक बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वेतन में होगी बढ़ोतरी। कोरोना गाइडलाइन की पालन के साथ मनेगा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, मुख्य सचिव ने तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश प्रदान किए। उच्च शिक्षा को ऑनलाइन करने की रणनीति बनाए राज्यपाल। बेरोजगार एवं रोजगार प्रदाता NCS तथा राजकौशल पोर्टल पर करवाएं पंजीयन, फीस माफ करने की मांग। त्रिवर्षीय हथकरघा तकनीकी डिप्लोमा के आवेदन 27 तक। ABVP ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, लैब टेक्नीशियन की परीक्षाएं शीघ्र करवाने की उठाई मांग। राजस्थान में 3 साल से एक ही जगह जमे पुलिस कर्मचारियों का होगा तबादला, PHQ के आदेश जारी। कोरोना वैक्सीन की रेस तेज, लेकिन 2021 से पहले मिलना मुश्किल, WHO एक्सपर्ट ने ये कहा ऐसा। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन खरीदने को बेची गाय। सरकारी नौकरी के लिए आवश्यक कोर्स RSCIT में निःशुल्क आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई। करौली में श्रेष्ठ अंकों से पास हुए विद्यार्थियों का सम्मान किया। रोजगार प्राप्त करने के लिए इच्छुक युवा पोर्टल पर करा सकते हैं पंजीयन। अच्छे शैक्षणिक वातावरण हेतु सकारात्मक विचारों का होना जरूरी, शिक्षकों ने प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। रोजगार के लिए इच्छुक युवा NCS पोर्टल पर पंजीयन कराएं। शैक्षणिक विकास में प्रवासियों की अहम भूमिका। खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र 3 अगस्त तक करवा सकेंगे पंजीयन। पैरामेडिकल परीक्षा कराने के लिए प्रदर्शन। निजी स्कूल संचालकों के अंदर किसी ऑनलाइन शिक्षा निष्फल। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावना प्रबल हुई। लैब टेक्नीशियन व रेडियोग्राफर के पद कुछ रिक्त हैं, 2117 पद हैं, आयु 18 से 40, इसकी 12वीं कक्षा पास हुई है भर्ती। सीनियर रेजिडेंट्स के पदों पर कुछ साक्षर पद है, जिसमें 4 पद है। हाईकोर्ट ने ओपन बुक परीक्षा पर मांगा जवाब। तकनीक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सीटों में कटौती। कॉलेज में प्रवेश का कार्यक्रम जारी, ऑनलाइन होंगे दाखिले। आवासीय शिक्षण संस्थान डिफेंस एकेडमी का संचालन शुरू करने को लेकर मुख्यमंत्री से की मांग। चिकित्सा अधिकारी व पुस्तकालय समीक्षा परीक्षा अन्य संभाव मुख्यालयों पर भी होने के आसार। 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 4-5 दिन में हो सकता है जारी। 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी। NIT, IIIT और GFTI की पात्रता में स्टूडेंट को रियायत। 12वीं पास विद्यार्थियों प्रवेश के लिए योग्य घोषित। हाईकोर्ट ने 3 भर्तियों पर लगी रोक को हटाया, विवादित अभ्यर्थियों को किया अलग। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018-2840 पद आरक्षित सूची से भरे। निजी शिक्षण संस्थान संघ ने की जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा। PhD के लिए रिसोर्सेज का बनाए वर्चुअल नेटवर्क। शिक्षा के ऑनलाइन संसाधनों पर हुई वेबिनार। शिक्षा मंत्रालय ने दिया स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया का नारा। होनार बच्चों ने किया स्कूल का नाम रोशन, परीक्षा में रहे अव्वल। कंप्यूटर टंकण परीक्षा 30 को। आज के समाचार यहीं समाप्त है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें सभी स्टूडेंट्स। धन्यवाद।